हेलो फ्रेंड्स, बेबी सेंटर चैनल मॉम इन इंडिया में मैं पूजा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे को भी सर्दी खांसी जुकाम अचानक से हो जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बेवजह बेमौसम आपके बच्चे को भला सर्दी खांसी जुकाम भला क्यों हो गया है, तो इससे राहत पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ये बात मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में नवजात शिशु है, 3 साल तक के बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये जो नुस्खा मैं बताने वाली हूँ काफी ज्यादा कारगर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना ना भूलें। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन का डोज जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करूं नवजात शिशु की, तो सर्दियों के दिनों में बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि पहली सर्दी होती है, बहुत ज्यादा केयर चाहिए होती है। लेकिन सर्दी खांसी जुकाम कहीं ना कहीं बच्चे को हो सकता है, और ठीक ऐसे ही गर्मियों के दिनों में भी नवजात शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पकड़ सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि गर्मियों में बच्चा जो है एसी में रहता है, पंखे में रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम लग सकता है। सर्दियों में मौसम जो है सर्द भरा होता है, तो इसलिए उसे सर्दी खांसी जुकाम होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, कमजोर होती है। ऐसे में बच्चों को तुरंत से सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये कम्युनिकेबल हो सकता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसा हो गया है, आपके बच्चे की नाक बह रही है, रात को सोने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, खर खर की आवाज भी आ रही है, खांसी के साथ साथ बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में बच्चे को पूरी तरीके से ठंड लग चुकी है, सर्दी खांसी जुकाम बच्चे को हो चुका है। बच्चों को जो है ज्यादातर घरेलू नुस्खों से ही ठीक करना चाहिए, बच्चों को दवाई नहीं देनी चाहिए। तो इस होम रेमेडी को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपको लेनी है अजवाइन, और दूसरी चीज आपको जो लेनी है वो है लहसुन की कलियां। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आधा कटोरी अजवाइन ले लेना है, इसे तवे पे आपको रख के अच्छे से भून लेना है। जब आप इसे भून रहे हो तो इसमें आपको 5 से लेके 7 कलियां लहसुन की काट लेनी है, और लहसुन भी आपको 1 कली को 2 पीसेस में आपको काट लेने हैं। इसके बाद आप इसको अजवाइन के साथ भून लीजिए। तो आपको अजवाइन और लहसुन को तवे पे अच्छे से भून लेना है। ध्यान रखिए कि लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा जले नहीं, हल्का भुना हुआ होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी खुशबू आने तक अजवाइन को भून लेना है। अजवाइन जब आप भून लेंगे तो उसके बाद आप इसे एक कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में आप इसे रख दीजिए। आधा कटोरी जैसा मैंने आपको बताया अजवाइन आपने भून के रख दिया है, पोटली बना दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की ये गर्म होनी चाहिए। ऐसी पोटली बना के आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के चेस्ट में इस पोटली को डैप डैप करना है, यानी कि बच्चे की चेस्ट की सिकाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, इस पोटली में जो अजवाइन और लहसुन की जो पोटली बनाई है, इससे आपको अपने बच्चे की चेस्ट की सिकाई करनी है। जैसे हम बर्फ से सिकाई करते हैं, तो लगभग 5 से लेकर 10 मिनट तक आप बच्चे की इस तरीके से चेस्ट में सिकाई करेंगे। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा खर खर की खांसी हो रही है, खर खर की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा नाक बह रही है बच्चे की, तो आप इस नुस्खे को कर सकती हैं, तो बच्चे को इससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और इतना ही नहीं, बच्चे का जमा हुआ जो कफ होता है वो भी इससे निकल जाता है, और जब कफ निकल जाता है तो खांसी ऑटोमेटिकली रुकने लग जाती है। इसके अलावा ये पोटली आप बच्चे की पीठ में भी यूज कर सकती हैं, जिससे बच्चे को काफी ज्यादा आराम मिले, राहत मिले। अगर बच्चे की नाक बह रही है, सर्दी बहुत ज्यादा है, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, या नाक बंद हो चुकी है, तो ऐसे में आपको ये पोटली बना के बच्चे की तकिया के सामने रख देना है। तो इसमें से जो भी खुशबू निकलती है, अजवाइन की जो महक होती है और लहसुन की जो महक होती है, ये जब बच्चा अपनी सांस में इनहेल करता है तो बच्चे की जो नाक होती है, बंद नाक होती है, वो खुलने लग जाती है, और बच्चे को सांस लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है। इसी तरीके से अगर बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, शिवरिंग हो रही है, तो ये पोटली आप बच्चे के हाथों में, पाम एरिया में और पैरों में रगड़ सकते हैं, मल सकते हैं, इसकी सिकाई कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इससे बच्चे को गर्माइश मिलती है, बच्चे की जो बॉडी है जो ठंड से जकड़ जाती है, उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, गर्माइश मिलती है। तो इस तरीके से आप बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम, बलगम, कफ या फिर नाक बंद की समस्या में इस पोटली से बच्चे को राहत दे सकते हैं। तो ये पोटली जो है आप 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों के लिए
बना सकते हैं। और हाँ बता दूं कि आप इसे रीयूज कर सकते हैं, बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप दोबारा से इसे यूज करने वाले हों तो उससे पहले आप इसको जो मिश्रण है उसे एक बार फिर से भून लीजिए, सेक लीजिए, उसके बाद बच्चे पे इसे अप्लाई कर दीजिए। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, काफी ज्यादा रिलैक्स बच्चे को मिलता है, आराम मिलता है। तो ये नुस्खा आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल मॉम इन इंडिया में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।